हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करने वाली हूँ। सो बस कल ही है ईद और कुछ ही दिनों में राखी भी है। सो इन दोनों ओकेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। और सिर्फ ये दो ओकेशंस नहीं, आप किसी भी इंडियन ओकेशन में इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। ये जो मेकअप लुक और आई मेकअप मैंने क्रिएट किया है, इस मेकअप लुक को आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ ईजिली कैरी कर सकते हो। So, if you guys are interested, then please keep on watching. So, eye makeup पे मैंने glitter use किया है, इसलिए मैं eye makeup पहले कर लूँगी ताकि जो भी fallouts हो वो clean करके मैं face का makeup कर सकूँ। So, यहाँ पे मैंने eyebrows को कर लिया है और उसके साथ साथ ही eyebrows के edges को clean करते हुए मैंने eyelid को prime भी कर लिया है। सो गाइस, मैं यहाँ पे पहले इस ब्रॉन्जी काइंड ऑफ कलर को यूज कर रही हूँ। इन दो कलर्स को यूज करूंगी बेसिकली। सो मैं पूरे आईलिड पे इसको अप्लाई कर लूंगी, आईलिड के ऊपर तक भी अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा। अभी मैं यहाँ पे इस कलर के ग्लिटर को ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे। और इन ग्लिटर्स को अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं इस कलर को पिक कर रही हूँ इसके बाद, और फिर एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एजेस को। यहाँ पे मैं एक एंगल ब्रश के हेल्प से ब्लैक आई शेडो को पिक करके लाइनर की तरह क्रिएट कर रही हूँ थोड़ा सा। और फिर मैंने यहाँ पे आईलैश अप्लाई कर लिया है और आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी बस लोअर लैश लाइन का आई मेकअप बाकी है और वो मैं बाकी के फेस के मेकअप करने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फेस को क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो आपके फेस पे, जो आपके फेस पे सूट करता हो। तो उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, जिससे कि मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। और मैं लास्ट मेरे कुछ वीडियोस में इसी फाउंडेशन से कलर करेक्ट कर रही हूँ फेस को, काफ़ी अच्छी तरीके से ये हो जाए। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का फाउंडेशन, ट्रू मैच फाउंडेशन। इसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको बेकिंग करूँगी पॉन्स के टैल्कम पाउडर के हेल्प से। अभी मैं लोअर लैश लाइन पे ब्रॉन्जी काइंड ऑफ इस कलर को यूज कर रही हूँ, थोड़ा ब्लैक कलर के साथ मिक्स्ड करते हुए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ। फिर मैं इस आई शेडो को यूज कर रही हूँ एज अ ब्लश। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर यूज कर रही हूँ एज अ सेटिंग स्प्रे। फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। मैं आज लिपस्टिक के लिए इन कलर का मैच मी यूज कर रही हूँ और यहाँ पे एक पीची न्यूट काइंड ऑफ शेड यूज कर रही हूँ। शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे इसके बाद का क्लिप लेना भूल गई हूँ, सो मैं पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग फाइनल मेकअप लुक देख पाओ इसलिए। सो गाइस, दिस इज द फाइनल मेकअप लुक एंड आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।